बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। गाइस, ये आप लोगों के लिए मैं एक क्विक वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास डॉक्टर रिशेल का विटामिन सी, एंटी एजिंग या किसी भी कंपनी का आपके पास प्रोडक्ट हो, तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए कैसे चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आपका ऑथेंटिक है कि नहीं। सबसे पहले आपने अपने किसी भी फ़ोन में QR कोड रीडर, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो आपने डाउनलोड करनी है। ये अगर आप बॉटम में देखें तो प्ले म्यूज़िक, उसके बाद प्ले स्टोर, उसके साथ है QR रीडर, ये डाउनलोड करना है आपने। इसको ओपन करने के बाद आपने स्कैन बार कोड पर जाना है, और ये जो QR कोड है ये कैमरे के सामने रखना है। तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो ये सीधा आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर ये QR कोड आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे जिसका ये प्रोडक्ट है लेके जा रहा है, तो उसका मतलब है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और अगर इसको स्कैन करने के बाद आपको ये कहीं भी लेके नहीं जाता, कोई वेबसाइट नहीं शो करता, तो उसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है आपका ये फेक है। आप किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको डॉक्टर रिशेल का ये विटामिन सी फेस सीरम करके दिखाया है। इस पे मैं एक चीज़ बता दूं, काफ़ी लोगों को ये गलती होती है कि लोग, क्योंकि QR कोड, ये QR कोड है, ऑलराइट, और इसमें एक और आता है जिसको हम कहते हैं बार कोड, वो ये आता है, ये बार कोड है, ऑलराइट। बार कोड को नहीं करना, क्योंकि जो बार कोड होता है उसमें कभी भी वेबसाइट नहीं होती, हमेशा QR कोड में वेबसाइट होती है। बार कोड तो जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो काउंटर पर जो कैशियर होता है वो बार कोड जो है मशीन के सामने रखता है, और वो इसको रीड करती है और उनके कंप्यूटर में इसकी प्राइस आ जाती है। तो इसको आपने नहीं करना, ये कहीं भी आपको वेबसाइट पे लेके नहीं जाएगा, आपने हमेशा ये QR कोड को ही करना है, ऑलराइट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से गाइज आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी को चेक कर सकते हैं, बशर्ते ये कि उस प्रोडक्ट का QR कोड जो है वो उसकी पैकेजिंग के ऊपर लगा होना चाहिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट का ये QR कोड उसकी पैकेजिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू उस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी को चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।